हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं स्क्वॉश कार्ड स्क्रैपबुक आइडिया नंबर 2, लेकिन एक इंट्रो के बाद। स्क्वॉश कार्ड स्क्रैपबुक का एक बहुत ही कॉमन आइडिया है और इसको बनाने के लिए आपको जो जो चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रैपबुक सीरीज में ये तो कॉमन ही रहेगा, सीजर, स्केल, पेंसिल, पैटर्न पेपर, इन सब को साथ में रखिए और स्क्वॉश कार्ड बनाते हैं। इसके लिए हम एक 20x20 सेंटीमीटर का पेपर लेने वाले हैं, जिसको हम डायगोनली फोल्ड कर देंगे। फिर हम उसको हाफ में फोल्ड करेंगे। दोनों साइड को हाफ में फोल्ड करने के बाद हम उसके एजेस को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट कार्ड। इस तरीके से हमको 3 कार्ड्स बनाने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तीनों कार्ड एक ही तरीके से फोल्ड हुए हैं, बट जब हम उसको अरेंज करेंगे वहां पर हम मिडिल कार्ड को रिवर्स करके अरेंज करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट का और लास्ट का कार्ड ऊपर की तरफ फोल्ड होगा और मिडिल वाला कार्ड अंदर की तरफ फोल्ड होगा, कुछ इस तरीके से। अब हम ग्लू की हेल्प से उसको स्टिक कर देंगे। इसमें यूज किए गए सारे आइटम्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दी हूं, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा प्रीवियस स्क्रैपबुक आइडिया नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे उसको लिंक कर दूंगी। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप उसको भी देखिएगा। अब हम तीसरा वाला कार्ड भी स्टिक कर लेंगे। याद रखिएगा, पहला और तीसरा कार्ड ऊपर की तरफ फोल्ड होगा और बीच वाला कार्ड अंदर की तरफ फोल्ड होगा। हम इसको लगभग आधे घंटे के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छी तरीके से बन गया है, बट इसको डिजाइन करना भी तो जरूरी है ना। तो इसके लिए हम लेने वाले हैं पैटर्न पेपर्स कुछ 9x9 सेंटीमीटर के। हम यहाँ पर 6 पैटर्न पेपर्स यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारा 3 स्क्वायर्स हैं। पैटर्न पेपर्स को हमको डायगोनली कट करना है। और जहां पर हमारा फोल्ड है हम इस पैटर्न पेपर को वहीं पर स्टिक कर देंगे। तरीके से आप अपने सारे पैटर्न पेपर्स को स्टिक कर सकते हैं। और ये आपका स्क्वॉश कार्ड रेडी है। अब स्क्वॉश कार्ड में आप चाहें तो बीच में फोटोज लगा सकते हैं या फिर कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है।
इस तरह के स्क्रैप बुक आइडियाज को यूज करके अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड स्क्रैप बुक बनाइए और आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त गिफ्ट आइटम है। अगर आपको मेरा आर्टवर्क पसंद आया तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।